मैंने ये रोबोट कैसे बनाया और ये रोबोट कितना इंटेलिजेंट है, क्या ये रोबोट सेंटिएंट हो सकता है, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये रोबोट बनाने का आइडिया मेरे जहन में कैसे आया? ये वो वक्त था जब लॉकडाउन की वजह से सारे पाकिस्तानी अपने घरों में मौजूद थे और एक एवरेज पाकिस्तानी एक वैक्सीन और कोई 250 बूस्टर शॉट्स लगवा रहा था। तो मैंने सोचा कि बीइंग सोशल क्रिएचर्स, इंसानों के पास कोई तरीका होना चाहिए कि वो बाहर जाकर दूसरों से इंटरेक्ट कर सकें। अब एक जहन में सवाल पैदा होता है कि आखिर क्यों? इसकी 2-3 सिंपल वजूहात हैं जो कि मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। पहली वजह तो सारी दुनिया रोबोटिक्स की तरफ मूव किया जा रही है, आए दिन नित नए AI और रोबोटिक्स के एल्गोरिदम्स आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान रोबोटिक्स से दूर भागता जा रहा है। और मेरे ख्याल से इसकी वजह ये है कि पाकिस्तानियों को लगता है कि रोबोट्स इंसानों को मारते हैं। रोबोट बड़ी खतरनाक ही जात है, शुक्र है पाकिस्तान ने चुनी है कि अगले दिन अमरीका है मेरे भतीजे ने रोबोट ने मारा सी। मैं तो आंदा हूं ऐसे जात तो दूर ही रहो। एंड आई डोंट ब्लेम पाकिस्तानीज फॉर दिस, वी डू हैव वीडियो एविडेंस ऑफ रोबोट्स हर्टिंग ह्यूमन बीइंग्स। तो मैं ये स्टिग्मा पाकिस्तानी सोसाइटी से रिमूव कर देना चाहता हूं और मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि रोबोट्स कैन बी फ्रेंड्स विद ह्यूमन बीइंग्स। दूसरी वजह कि पाकिस्तान में अक्सर यूथ इंट्रोवर्ट होती है, घर से बाहर जाने से घबराती है, और जब आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और आपसे ये पूछ ले, बेटा मुझे पहचाना आपने, मैं आपका खालू हूँ। ये खालू क्या होता है और ये मेरे से इतना फ्रैंक होकर क्यों बातें कर रहे है? तो अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, आपका ये रोबोटिक बडी आपके लिए लोगों से डील करेगा और आप अपने कमरे के अंधेरे में आराम से डिस्कॉर्ड ओपन करके गेमिंग कर सकते हैं। अब हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं कि ये रोबोट एक्चुअली बना कैसे है, और मुझे पता है कि आप में से अक्सर लोग इस चीज़ में टोटली इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं ज़्यादा टेक्निकल डिस्कशन में नहीं जाऊंगा, लेकिन स्टिल देर आर सम रूल्स ऑफ थम्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड वाइल मेकिंग रोबोट्स लाइक दिस। सबसे पहला टास्क होता है एक रफ स्केच बनाना, जो आइडिया या खाका आपके जहन में होता है उसको एक कागज़ के ऊपर लाना। ये स्केच मैं सिर्फ इस वीडियो के पर्पस के लिए बना रहा हूँ, इसका एक्चुअल में कोई फ़ायदा नहीं होता और आप इस स्टेप को स्किप करके अगले स्टेप पे सीधा जा सकते हैं। अगला स्टेप असूलन तो कैडिंग होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बहुत गोल्डन एडवाइस दूंगा कि पाकिस्तान में अगर आपने रोबोट बनाना है तो कभी भी कैडिंग सबसे पहले नहीं करनी। उसकी वजह यह है कि आप स्टैंडर्ड मटेरियल्स इस्तेमाल करके अपना कैड बना लेते हैं और फिर आप वो पार्ट्स इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं ब्रंथ रोड। यार हमने कैड तो बना लिया है, अब चल के ब्रंथ रोड से पार्ट्स ले लेते हैं। हाँ सही सही अंकल जी, UCF 208 होगा। पुत्र किन्ने सूटर का चाहिए है? अंकल सूटर नहीं पता, लेकिन ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। पुत्र इतने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता, मेनू सूत्र दसो। तो इसीलिए मार्केट सर्वे पहले और कैड वाला स्टेप बाद में। कैड से अगला स्टेप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो कुछ भी आपने कैड में बनाया है उसको आपने फिजिकल में असेंबल करना है। जब तक ये टायर ठंडे हो रहे हैं ना, मैं फन फैक्ट बताता हूँ। इस पुअर गाय को टास्क मिला हुआ है कि ये जितना भी पानी खड़ा हुआ है ये क्रेन की मदद से ये निकाल रहा है। लुक एट दिस, वर्कशॉप में वापस आ गए हैं, तो इन टायर्स की असेंबली अब स्टार्ट करते हैं। हाँ जी क्यों दें स्टार्ट का। थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स और तारे शारे खींच देनी है और आपने इसका ऑन वाला बटन दबा देना है। अगर आप एक कामयाब इंजीनियर हैं तो आइडियली अगले स्टेप में एवरीथिंग शुड फॉल अपार्ट। जैसे मेरे केस में ये रोबोट को स्टेडी खड़े होना चाहिए था, लेकिन ये रोबोट तो डांस करना शुरू हो गया है। क्या ये रोबोट सेंटिएंट हो गया है? क्या इसके जहन में कोई नुसरत फतेह अली खान की धुन चल रही है? इसे अगला स्टेप है कि रोबोट की इस डांसिंग प्रॉब्लम को समझने के लिए 2-3 हफ्ते स्पेंड करो और उसका सलूशन निकलता है ये। अब मैंने इसके सिस्टम में ये इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो इसको ना
आइडल पोजीशन में खड़े होने में आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आइडल पोजीशन में रोबोट के जो टायर हैं वो फ्री हो गए हैं बिल्कुल। सऊदी अरब का क्या सूरत हाल है आजकल? देश तक की जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब में आर्थिक और सामाजिक सुधार जारी थे। विजन 2030 के तहत सऊदी सरकार आर्थिक विविधता लाने और तेल पर निर्भरता को कम करने के लिए काम कर रही है। नवाज शरीफ कैसा बंदा है? नवाज शरीफ पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने से है। वो कई बार पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं लेकिन उनकी सियासी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। मैं तो सुना बंदा सही नहीं है। नवाज शरीफ के बारे में लोगों की राय मुख्तलिफ है। कुछ लोग उनकी क़यादत को सराहते हैं जबकि दूसरे उन पर तनकीद करते हैं। इमरान खान कैसा बंदा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन। वो क्रिकेट के मैदान में आलमी शोहरत याफ्ता है और 1992 में पाकिस्तान को क्रिकेट का आलमी कप जिता पाए। सियासत में उनकी हिमायत या मुखालफत दोनों पाई जाती है। अफगानिस्तान में पहला जगह किस बादशाह ने किया? अफगानिस्तान में पहला जगह पहली जंग सिकंदर आज। यस। क्या आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं? नहीं बस। लाहौर से शरकपुर शरीफ का फासला तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर के करीब है जो कि ट्रैफिक और मार्ग के अनुसार तकरीबन 1 घंटे का सफर हो सकता है। 35 किलोमीटर सही है कि 30 तो 35 बताया है। समय लेकिन संतरा की जी हाँ, सरगोधा के संतरे पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के संतरे का स्वाद और गुणवत्ता में मिसाल है। उर्दू में बताओ। उर्दू में निर्यात वस्तु बनाता है। संतरे की समझ नहीं आ रही। तो हम इमरान खान से पीछे हैं तो इमरान खान कब बाहर आएगा? बहुत से लोग ऐसी ख्वाहिश रखते हैं। सियासत में तब्दीलियाँ वक्तन वक्तन आती रहती है। नहीं, हम तो लाहौर में रहते हैं। हमारी नाश्ते की दुकान है, नान चने भेजते हैं हम। खोए वाले चने, बदामों वाले नान। जी, लाहौर में नाश्ता खास तौर पर नान चने और सिराई पाए के लिए मशहूर है। कभी वही बाजार में नान चने और पाए का नाश्ता खास कर पसंद किया जाता है? नहीं, हम तो इमरान खान को बोल लाइव करते हैं कि वो हमारे पास आके नाश्ता करे। इमरान खान को दावत देना चाहे शायद वो आपकी दावत पर आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह लाजमी है। ओके, थैंक यू, शुक्रिया। हम जा रहे हैं। अब हम ये पूछना चाहते हैं ना कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो भी चीज लेने जाते हैं तो महंगी मिलती है, सस्ती तो है नहीं कोई चीज। पाकिस्तान में महंगाई के मसाइल की वजह से बहुत सी चीजें महंगी हो गई हैं। इसकी वजूहात में अफराते सर, दारामदी अशिया पर इन्हिसार और माशी पॉलिसियों में अदम उस्तेहकाम शामिल है। हुकूमती इकदामात के बावजूद महंगाई का मसला आवाम के लिए चैलेंज बना हुआ है। छोटों बच्चों का जो पैंपर मिलता था 20 रुपए का, 22 रुपए का, वो अब 35 का, 40 का मिल रहा है। जी, पिछले कुछ सालों के मद से जरूरी अशिया की कीमतों में नमाया इजाफा हुआ है। इजाफे में महंगाई। आपकी बात करूं।